नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। और यही कहूंगा आपको कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और ख़ास बात शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मित्रों, आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी के जीवन से अंधियारे को गायब कर सकता है, किसी के जीवन में आशा की एक किरण जला सकता है, उसके जीवन को प्रकाशमय कर सकता है। आपका कोई अपना, आपका कोई खास, कोई अजीज, कोई ऐसा व्यक्ति इस अगर शेयर को देखेगा तो निश्चित रूप से ये पुण्य का काम होगा आपके लिए, आपके हाथों से पुण्य होगा। आपका सिर्फ एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, इसलिए शेयर तो जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज हम इस वास्तु एपिसोड में बहुत खास जानकारी लेके आए हैं। घर पर भूल कर भी न रखें सूखे फूल, वरना पड़ सकता है पछताना। सही सुन रहे हैं, ये वास्तु अलर्ट है आपके लिए, वास्तु अलर्ट। घर पे ना रखें सूखे फूल, वरना पड़ेगा पछताना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अक्सर लोग पूजा पाठ में फूल चढ़ाते हैं और उन फूलों को इकट्ठा कर लेते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ से फूल मिले उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं, और कई बार समय की कमी के कारण हम फूलों को बदल भी नहीं पाते, फूल पड़े रहते हैं। मैंने देखा है कई पितरों की तस्वीरों पर फूल सूखे हुए माला पड़ी हुई है, देवताओं के चित्रों पर सूखी हुई माला लटकी हुई पड़ी होती है। वास्तु के अनुसार घर में रखी हर चीज़ जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालती है। घर में रखे सूखे फूल नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, जिससे जीवन में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है ताज़े फूल घर में पॉजिटिविटी की एनर्जी लेके आते हैं, ताज़े फूल घर में सजाए जा सकते हैं, मुरझाने पर इनमें एक मृत जैसी फीलिंग आ जाती है। कोई भी चीज़ जो डेड होती है ना, उसे घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, कागज़ के फूल हो जाते हैं, मुरझाए हुए फूल शव के समान। इसके अलावा फूलों को बेडरूम में रखने के बजाय ड्राइंग रूम में ही रखना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। फूल जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बुरा असर डालते हैं, विशेष तौर से वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि सूखे फूल घर में ना ही सिर्फ नेगेटिविटी लेके आते हैं, रिश्तों में भी डरा डाल देते हैं, जिससे घर के जो सदस्य हैं उनके बीच में आपसी कलह होने लगती है। देखिए, सूखे फूल जैसे जैसे सूखने लगते हैं फूल, वहाँ महालक्ष्मी दूर हो जाती है, जिससे धन संपदा में बरकत नहीं होती है और आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। किस दिशा में फूल और हरे पौधे नहीं रखने चाहिए, इस बात का भी ध्यान दें। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि घर में हरे पौधे और फूल दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना अशुभ माना जाता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में फूल या पौधे रखने से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं और शुभ काम में बाधाएं आती हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अशांति भी आती है। विशेष तौर से सूखे फूल अगर आप घर में रखते भी हैं और हफ्ते दर हफ्ते उसको प्रवाह कर देते हैं पूजा के फूल, तो विशेष ध्यान रखें, इसे कभी भी खोल करके ना रखें, इसे हमेशा पॉली बैग में या किसी बैग में बंद करके रखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहाँ हम वास्तु के अनेक रहस्यों से पर्दा जरूर हटाएंगे और एक विशेष टॉपिक पर जरूर बात करेंगे। तो अब जाने से पहले जरूर आपको यही कहूँगा, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल हमेशा ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, और किसी के जीवन में, किसी अपने के जीवन में, किसी अजीज के जीवन में, किसी आपके भाई, आपके मित्र, रिश्तेदार के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए, और हाँ, पुण्य जरूर कमाएं, क्योंकि आपका एक शेयर सिर्फ एक शेयर नहीं है, एक पुण्य है। तो पुण्य जरूर करें, और विशेष तौर से किसी न किसी खास के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला जो कल है ना, आज से कुछ बेहतर होगा, कुछ खास होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।